तो 22 जनवरी को जो है भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो जाएगी, सभी जानते हैं, सभी लोग एक्साइटेड हैं, सब लोग स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन हमारे युवा पीढ़ी को आजकल के ये पता नहीं है कि भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि का, ये अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा क्या था, इसका विवाद क्यों हुआ, हमें अभी जाके क्यों परमिशन मिला इसको जो है मंदिर बनाने के लिए, और कितने 500 वर्षों से हमें इसका इंतजार क्यों करना पड़ा, इतने समय से हमें जो है क्यों धैर्य रखना पड़ा अपने भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए। तो आइए इसके बारे में बताते हैं आजकल की युवा पीढ़ी को जो है हमारे इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के इतने महानतम इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये लोग अंग्रेजों के द्वारा फैलाए गए झूठे इतिहास को पढ़ते हैं, केवल महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही इनका इतिहास समाप्त हो जाता है और केवल बिना खड़ग और बिना ढाल के हमें आज़ादी मिल जाती है। तो यही हम इतिहास जो है जानते हैं। और त्रेता युग द्वापर युग की बात छोड़िए, आजकल के युवाओं को तो जो है सो कॉल्ड युवा जो है फेमिनिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म के नाम पे जो है अपने देश को बेचे जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आइए हम आपको बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जो विवाद क्यों इतना बड़ा था और इसका कारण क्या था। तो बात है, आइए हम पहले चलते हैं 1992 में, जब पहली बार जो है बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को जो है गिरा दिया गया था। और आप बोलेंगे कि बाबरी मस्जिद था वहाँ पे तो उसको गिरा के मंदिर बना रहे हैं, हम लोग कितने धोखेबाज हिंदू हैं ना, सच में यही लगता है आपको। आइए और पीछे चलते हैं, बात है 1528 की। तो 1526 में बाबर भारत आता है, उसका पानीपत का युद्ध आता है, जो कि हम स्कूल में सभी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़े होंगे। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसको जो है महाराणा सांगा हार जाते हैं बाबर से, ये सभी पढ़ते हैं। लेकिन बयाना के युद्ध में किस प्रकार से बाबर के सैनिकों को महाराणा सांगा की सेना ने एकदम ध्वस्त करके रख दिया था, उसको कोई नहीं पढ़ा था, तो चलिए वो बात अलग है। तो बात है 1528 पर की सेना जो अयोध्या में प्रवेश करती है और उसके सैनिक वहाँ पे राम मंदिर था उसको ध्वस्त कर देते हैं, अर्थात जो रामचंद्र के जो मंदिर को लव कुश के समय से, अर्थात त्रेता युग से जो रामचंद्र का मंदिर बना हुआ था, जिसको बाद में जाके सम्राट विक्रमादित्य जो है जीर्णोद्धार कराते हैं, पुनः निर्माण करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, उसको जो है बाबर आता है 1528 में और उसको ध्वस्त कर देता है। तो इस यहां से शुरू होती है भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर के जो है विवाद, कि अयोध्या जन्मभूमि का विवाद। तो इस प्रकार से जो है आगे चलकर जब इसमें बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी जाती है, तब 6 दिसंबर 1992 को इसको गिरा दिया जाता है। उसके बाद से जो है दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं, और वो लोग जो मेरे भाई बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते तो 500 सालों तक भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन का हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतजार नहीं करना पड़ता राम जी का मंदिर बनाने के, अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते तो। ये है उनका जवाब। तो अब आपको इसका डिटेल समझ में आ गया होगा कि क्यों श्री रामचंद्र जी का मंदिर अभी बन रहा है और इसका विवाद कितना है, जो है पुराना है, 500 साल पुराना है, कि बाबर से आने से लेके अभी देखिए यहाँ पे जो है हम इसका राम मंदिर का निर्माण देख पा रहे हैं। तो सोचिए कितने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण हो पा रहा है। तो इस प्रकार से जो है इतना समय लगा केवल श्री राम मंदिर की स्थापना के लिए। और यही बात जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद में, अर्थात जो कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में वहाँ पे मंदिर और मस्जिद का विवाद वहाँ पे बात है, वहीं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात है, क्योंकि अभी वो जो बोल रहे हैं ना लोग कि आप सुने होंगे कि राम की अयोध्या भी झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। तो इस प्रकार से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इतने सारे जो हमारे हमारे धरोहर थे, हमारे मंदिर थे, सनातन धर्म के जो धर्म ध्वस्त थे, जो जिनको जो है विदेशी आक्रांतों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जहां सल्तनत काल का आरंभ होता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पानीपत के द्वितीय युद्ध में हारते हैं, फिर सल्तनतकालीन जो है शुरुआत होता है भारत में मुगलों का, फिर उसके बाद काल आता है। तो इस प्रकार से जब भारतीय उपमहाद्वीप में जितने मंदिर थे उनको जो विदेशी आक्रांता तो ध्वस्त कर जाता है, इल्तुतमिश जो है जगन्नाथपुरी के मंदिर को, महाकाल के मंदिर को गिराता है, वही जो है फिरोज शाह तुगलक पुरी के मंदिर को गिराता है, महमूद गजनी जो है सोमनाथ के मंदिर को 18 बार तोड़ता है। तो सोचिए विश्वनाथ जी का मंदिर, बद्रीनाथ जी का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, कहीं भी जो है विदेशी आक्रांताओं ने किसी भी मंदिर को जो नहीं छोड़ा था। और इस प्रकार से आप उज्जैन जाएंगे तो आप उज्जैन का मंदिर देखेगा, आधा हिस्सा नया बना हुआ दिखेगा और आधा हिस्सा न्यू का जो हिस्सा है वो आपको पुराना दिखेगा। क्यों? क्योंकि तोड़ा गया था, ये लोगों को पता ही नहीं, वो मंदिर में सिर्फ सेल्फी लेके आ जा रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं कि आधा हिस्सा पुराना क्यों है, क्योंकि इसको जो है इतने सैकड़ों साल पहले तोड़ दिया गया था विदेशी आक्रांताओं द्वारा। वो तो हमारे भाग्य है कि हम वहीं पर जो है उस स्थान को प्राप्त कर लिए जहाँ पर मंदिर बना था, अन्यथा देख रहे हैं काशी विश्वनाथ में आप मस्जिद की जगह जो मंदिर था उसको हटा के दूसरी जगह दिया गया है। और यही हमारा सबसे बड़ा विडंबना है कि अपने देश में अपने आप में ही केस लड़ना पड़ रहा है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो सोचिए आप में से बहुत सारे युवाओं को यह तो पता नहीं होगा कि श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि का विवाद क्या था, इसका इतिहास क्या है, क्योंकि आजकल लोग जो है अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास, बनाए गए इतिहास को केवल जानते हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल हमें आज़ादी मिल गई नेहरू और गांधी चचा के नाम से। लेकिन असल में ऐसा होता है क्या बापू जी और नेहरू जी के नाम से? बिल्कुल नहीं, असल जो इतिहास उसे छुपा दिया जाता है, जिसको आजकल के युवाओं को जानना अति आवश्यक है। अरे आपको ये भी पता नहीं रहेगा श्री राम जन्मभूमि का विवाद क्या है और वहाँ पर जाके आप अयोध्या में सेल्फी ले रहे हो तो क्या मतलब है इस चीज़ का? आप स्वयं इस पर रिसर्च कीजिए, आप स्वयं इस पर जानिए, अपने इतिहास को जानिए। ये केवल एक ही मंदिर की बात नहीं, सोमनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर
पूरी जगन्नाथ से लेकर द्वारिकाधीश मंदिर से रामेश्वरम से लेकर इतने बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, इतने बड़े बड़े हमारी क्षति पहुँचाई गई विदेशी आक्रांताओं द्वारा, और बाद में लोग सेकुलरिज्म के नाम पर जो है इस सब इतिहास को छुपा देते हैं और हमारा देश का युवा हमारा ही देश का विरोध करने लगता है, अपने सनातन संस्कृति से घृणा करने लगता है। आपने ये सब बोला है, क्या आप राम जन्मभूमि के बारे में जानते हैं? आपको क्या उनके दर्शन करने जाने वाला है? क्या आप इस सिलसिले में कमेंट्स में बताएंगे? जय श्री राम और हर महादेव। श्री राम।